हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अक्षित में। और दोस्तों, आज मोटोरोला कंपनी की तरफ से आने वाले मोटो G30 की करेंगे अनबॉक्सिंग, देंगे रिव्यू और अपने बताऊंगा मैं फर्स्ट इंप्रेशन। तो यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर हम मोटरोला के मोटो 30 की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको पीछे प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। मोटरोला के आमतौर पर जितने भी स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों, वे थोड़े हैवी होते हैं। इस फोन का भी जो वेट है 200 ग्राम तक है। पीछे की साइड दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, साथ ही अगर इसमें सिम कार्ड प्लेट की बात करें तो इसमें हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक डिस्प्ले ही होती है जो स्मार्टफोन को अट्रैक्टिव करती है। अगर इस स्मार्टफोन में हम डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है विद 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट। 90Hz रिफ्रेश रेट दोस्तों इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है 11,000 है। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में 90Hz अहमियत रखता है अपने साथ। दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो UI है वो स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड है, यानी इसमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसे एंड्रॉइड 11 इस स्मार्टफोन में पहले से ही डाउनलोड हुआ है, यानी आपको इसे अलग से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसमें थिंक शील्ड की सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है जिससे आपका डाटा सेव रहता है। और दोस्तों, कंपनी बताती है कि इस स्मार्टफोन में आने वाले 2 सालों तक वे लगातार अपडेट निकालती रहेंगी, जो इस स्मार्टफोन में बेनिफिट है। सेंसर की बात करें, ऑब्वियसली दोस्तों आजकल जितने भी स्मार्टफोन होते हैं सब लेटेस्ट एक्टिविटी के साथ ही, कनेक्टिविटी के साथ ही लॉन्च होते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। साथ इसमें NFC भी देखने को मिलती है। पीछे की साइड दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और फेस अनलॉक भी है। अगर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करें तो डिसेंट है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंतुतु स्कोर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका अंतुतु स्कोर 1,75,000 के अप्रोक्सीमेट लगभग पहुंचता है। दोस्तों, इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसर ठीक है, क्योंकि इस प्राइस पे 11,000 इस स्मार्टफोन की प्राइस है और इतना अंतुतु स्कोर इस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। एक दोस्तों कैमरा ही होता है जिससे लोग आकर्षित होते हैं फोन लेने में, और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी फोन पे। और दोस्तों, ये डिसेंट प्राइस में 11,000 की प्राइस में मोटोरोला के G30 फोन में 64 MP का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 8 MP का वाइड एंगल लेंस, 2 MP का माइक्रो, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 64 का मेन सेंसर आपको देखने को मिलता है। इस डिसेंट प्राइस में 64 MP का क्वाड कैमरा मिलना बहुत ही अच्छी बात है, तो क्वालिटी भी अच्छी आती है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट आता है 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आता है। दोस्तों, इसमें 5000 mAh तक की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही 20W का चार्जर देखने को मिलता है। यह 20W का फास्ट चार्जर आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, यह डिब्बे के अंदर ही आपको मिलेगा। और साथ ही दोस्तों Type-C केबल भी आपको देखने को मिलती है। स्मार्टफोन के मल्टीमीडिया की बात करें तो दोस्तों, इसमें IP52 का सपोर्ट मिलता है, जिस कारण दोस्तों अगर आप हल्की फुल्की बारिश में स्मार्टफोन का यूज करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यह प्रॉपर वर्क करता रहेगा। साथ ही दोस्तों, जो इसके स्पीकर हैं कुछ लाउड है, जिस कारण मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। हाँ दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, इस प्राइस रेंज में फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें HD+ डिस्प्ले है, परंतु दोस्तों इस प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है फोन। तो अब
मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशन की, इस स्मार्टफोन को लेकर मेरी क्या राय है। दोस्तों 11,000 के प्राइस में इसमें बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन में मिलती है। जैसे कि दोस्तों 90 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, 5000 की एमएच बैटरी देखने को मिल रही है जो काफी अधिक है, पूरा दिन आराम से आप यूज करोगे चली जाएगी। और दोस्तों 20 वाट तक की चार्जिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अंतुतु स्कोर भी दोस्तों ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसका कैमरा, 64 MP का दोस्तों क्वाड कैमरा देखने को इसमें मिल रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है इसमें HD+ डिस्प्ले, अगर फुल HD+ होती तो मल्टीमीडिया का मजा कुछ और ही होता है। ओवरऑल दोस्तों 11,000 रुपए की प्राइस में ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें काफी प्रीमियम फीचर दे रखे हैं। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।